Good morning, everyone. Hope you all are doing good and happy weekend. यार सैटरडे जब आता है ना तो मतलब खुशी अलग रहती है. तो दिवाली ब्रेक के बाद मैं फिर एक बार सिलसिला चालू किया और शहर की भीड़ भाड़ से दूर थोड़ा सा इस तरफ, तो यही वो जगह एक रहती है जहाँ पे ढंग से आप बोल सकते हो, क्योंकि बाकी इस तरफ उस तरफ चारों तरफ गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शोर रहता है. तो अभी मैं हूँ इंडस्ट्रियल एरिया में और ये एरिया बहुत अच्छा है. तो आज का जो प्रोग्राम है वो यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको छठ की हार्दिक शुभकामनाएं. स्टार्ट हो चुकी हैं, कल दहाई खाई था फर्स्ट दिन, तो मैं जा नहीं पाया था ऑफिस की वजह से. तो यार इंडिया में ना भिन्न भिन्न प्रकार के त्यौहार हैं, सो ऑल यू हैव टू डू इज टू एंजॉय. Guys, the aim of the morning should be healthy, at least walk, nahi to fir cycling, nahi to fir gymming, nahi to fir swimming. Ab swimming to band aajkal. Yaar andhe ko chahiye kya do aankhein aur aankhon ko खूबसूरती हरियाली. इसीलिए ये कहावत है कि अंधे के हाथ बटेर लगना, बट अगर आंखें अच्छी होंगी तो बटेर क्या, सब कुछ अपने आप ही हाथ लग जाएगा. सो ऑल आई वुड लाइक टू से इज कि सुबह सुबह घूमना ज़रूरी है, हरियाली देखनी ज़रूरी है और एक्सरसाइज ज़रूरी है. दोस्तों मैं आ गया, वो भी 10 किलोमीटर की साइकिलिंग करके नेफोवा छठ घाट पे. तो ये देखिए कितना खूबसूरत सजाया हुआ है. तो यही वो घाट है जहाँ पर हम मूर्ति विसर्जन करते हैं जब भी हमारे कार्यक्रम होते हैं. और यार बीइंग अ सोशल क्रिएचर, दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ दीज प्लेसेस. मेक श्योर कि ये सारे के सारे प्लेसेस नीट एंड क्लीन हो ताकि ये रीयूज़ हो सकें. और मैं सही मायने में बताना चाहूँगा कि अभिषेक जी और उनकी टीम को साधुवाद देता हूँ, एंड वी आर रियली ग्रेटफुल कि उन्होंने किस तरह से इस पूरे घाट की कायाकल्प करी है उनकी और उनकी टीम ने, और इतना ज़बरदस्त इसे बना दिया है कि जिस टाइम पर पहले हम विसर्जन के लिए आए थे उस टाइम में और अब में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है. सो हैट्स ऑफ टू नेफोवा एंड द टीम मेंबर्स फॉर मेकिंग दिस प्लेस नीट एंड क्लीन. ये पूरा कार्यक्रम स्थल, आज शाम के सारे प्रोग्राम्स इधर ही होंगे. इसकी तो कल ही टेस्टिंग हो गई थी. हाँ बढ़िया लग रहा था, जबरदस्त.
जाया जाएगा घर, थोड़ा सा समय बिताया जाएगा बच्चों के साथ और उसके बाद शाम को पूरी फैमिली को लेकर के आना है छठ घाट पे और कार्यक्रम स्थल पे। तो आज की शाम वहीं बीतेगी। ये देखो आओ, कर सकते हैं एक बार जोरदार ताली। जैसे कि अभी अभिषेक जी ने परिचय कराया विश्व विख्यात चिकित्सा के, मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने एक नागरिक सम्मान का शुरुआत किया है जो क्षेत्र में, जो अपने अपने क्षेत्र में। आपको आश्चर्य होगा, पिछले 15-20 दिन से वो रात में 2 बजे सो रहे हैं। तो एक बार जोरदार ताली अभिषेक कुमार के लिए जिन्होंने शानदार आयोजन के लिए बहुत मेहनत की है और रात में वो 1-1 बजे तक यहाँ बैठे। बहुत ही जबरदस्त जगमग है घाट में, तो कल डूबते सूर्य को अर्घ होगा और परसों उगते हुए सूर्य को। तो करते हैं ब्लॉग को एंड और लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं कल घाट पर। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।